बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला सवाल है, इसमें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि ये जो आप परसेंटेजेस दी गई हैं इनको अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है। फ्रैक्शन फॉर्म होती है बटे वाली फॉर्म, जिसमें बटे में कोई भी नंबर लिखा जाता है उसको कहते हैं फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे पहला पार्ट इसमें लिखा 95%। अच्छा बच्चों, अब आपको एक बार पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो जब भी आप कहा जाए कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो आपने सिंपल ये करना होता है कि जो ये परसेंटेज का साइन आपको लिखा नज़र आ रहा है, आपने बच्चे सिंपल ये परसेंटेज का जो सिंबल है, ये साइन है, ये ख़त्म कर देना है और बटे में आपने 100 लगा देना है। ये हमेशा बात आपने याद रखनी है। जब भी हम ये परसेंटेज का साइन ख़त्म करते हैं, सिंबल ख़त्म करते हैं, तो हमने बटे में 100 लगा देना होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 95% है, तो 95 आप ये साइन ख़त्म करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखें, अपने उन्होंने कहा हुआ है कि इसको अपने लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि सिंपल तरीन फॉर्म में मुख्तसर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि 95 जो है वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है और 100 भी 5 पे डिवाइड हो जाता है। 19 को अगर 5 का टेबल हम 19 तक पढ़ते हैं तो वो 95 आता है, और अगर 20 तक पढ़ते हैं तो वो 100 आता है। तो इसका मतलब इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी 19/20। अच्छा, इसी तरीके से इसका फोर पार्ट है, ये लिखा हुआ है 25%। तो यहाँ पर बच्चों आपने सिंपल ये करना है कि उसी तरह ये सिंबल ख़त्म करेंगे परसेंटेज वाला और बटे में 100 आ जाएगा, ये बन जाएगा 25/100। अब यहाँ पर देखिए 25 भी 5 पे डिवाइड हो जाता है और 100 भी, तो 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा और 100 को 5 पे डिवाइड किया तो दोबारा से आपके पास आ जाएगा 20। तो आप 5 और 20, बल्कि ऐसा करें कि इसको 25 पे के टेबल के ऊपर कटिंग करते हैं, 25 1s are 25 और 25 4s are 100। अब यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपने सिंपल तरीन फॉर्म में आंसर लिखना है, इसलिए हमने पास इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अच्छा बच्चों, अब सिक्स पार्ट है, 48%। दोबारा से ये सिंबल ख़त्म करेंगे साइन परसेंटेज वाला और बटे में क्या आ जाएगा 100, ये बन जाएगा 48/100। अब 48 जो है ये भी आपके पास 4 पे डिवाइड हो सकता है और 100 भी, तो डिवाइड किया तो 48 को 4 पे डिवाइड किया तो 12, 100 को 4 पे डिवाइड किया तो 25। अब ये मज़ीद आगे मुख्तसर नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर होगा। नाइन पार्ट है, 37 × 1/2%। अब सबसे पहले तो यह पास एक होल नंबर फॉर्म है, इसे सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा। अब तय कि हमने 2 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करके और 1 इसमें ऐड करना होता है, तो 2 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया 74 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 75/2%। तो दोबारा से वो साइन ख़त्म करते हैं परसेंटेज वाला, तो 75 as it is, तो 2 be as it is और साइन ख़त्म करेंगे तो बटे में आ जाएगा 100 जो होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बनेगा 75/200। अब ये इसको दोबारा से 4 के 25 के ऊपर कटिंग करते हैं तो 25 3s are 75 और 25 8s are 200, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इसका 12 पार्ट, ये है 42 × 1/2%। तो वह उसी तरीके से परसेंटेज ये पास होल नंबर फॉर्म है, इसे सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ 84 में 1 ऐड किया तो 85/2%। दोबारा से परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे बटे में 100 आ जाएगा, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 85/200। अब इसको आप अगर 5 के ऊपर कटिंग करें तो 17 पैक पड़ेंगे तो आपके पास 85 आ जाता है, और अगर 5 का टेबल हम 40 तक करेंगे तो 200 आ जाता है। 17/40 इसका आंसर, क्योंकि ये मज़ीद आगे सिंपल नहीं हो सकते, इसलिए ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज, यानी कि पहले की उल्ट काम करना है। पहले आपने को परसेंटेज दी जाती थी और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, अब यहाँ पे कहते हैं कि फ्रैक्शन दी गई है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। गिविंग योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी, यहाँ पर जरूरी हो अपना आंसर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक दीजिए। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो पहला पार्ट है 3/4। अच्छा बच्चों, बिल्कुल अब उल्ट काम करेंगे पहले वाले का। पहले हम क्या करते थे कि वो परसेंटेज का साइन खत्म करके बटे में 100 लगाते थे। अब आपने क्या करना है कि 100 के साथ पहले बटे में 100 लगाते थे, अब आपने यानी कि पहले 100 के साथ डिवाइड करते थे, अब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ वो परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो अब ये हो जाएगा 3/4।